कप शुरू हो चुका है तो एक कप जीत की उम्मीद के साथ आज तक 11 यहां पर मौजूद है और हम एक खास मेहमान के यहां पर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप टीम से जरा परिचय कर लीजिए। चित्रा त्रिपाठी है, गीतिका है, श्वेता झा, मैं श्वेता सिंह, नवजोत हमारे साथ हैं, नेहा हैं, साथ में आगे आगे शशि हैं, अदिति हैं, गार्गी हैं और खुशी हैं। लेकिन अब यहां पर जो सबसे खास मेहमान है जिनके साथ हम वर्ल्ड कप क्रिकेट पे आज बात करने वाले हैं, उनका स्वागत करते हैं तालियों के साथ। हम सब तो कह ही सकते हैं, सुरेश रैना 2011 के वर्ल्ड चैंपियन है और आज बताएंगे कि 2023 में वर्ल्ड चैंपियन हम कैसे बन सकते हैं। जो सवाल है हमारे वो बहुत ज्यादा वैसे क्रिकेट क्रिकेट वाले हैं नहीं, लेकिन है क्रिकेट के मैदान के बारे में ही। जी, 2011 का जो वर्ल्ड कप जब हम लोग जीते थे और 2023 में जब हम इंडिया में ही वर्ल्ड कप अपना खेल रहे हैं, इंडिया ही सबसे प्रबल दावेदार है इस बार। जी बिल्कुल, जिस तरह से फॉर्म में आप देखेंगे कि गिल और विराट कोहली तो इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया को जीतना बहुत जरूरी है। जीतेंगे। 2011 की टीम का आप हिस्सा थे और उस समय घरेलू मैदान का हमें फायदा मिला था, इस बार भी क्या उसका पूरा फायदा मिलने की उम्मीद है? और दूसरी चीज ये कि अभी हमारे खिलाड़ियों के ऊपर कितना ज्यादा दबाव होगा इस वर्ल्ड कप को लेकर? आई थिंक दबाव तो होगा, आई थिंक उनको सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं खेलना है। कि जब भी आप एक किसी बड़े वर्ल्ड कप के में जाते हो, कोशिश करते हो देश का नाम आगे बढ़ाओ, और हिंदुस्तान में और आपको फैंस की वैल्यू पता है, आपको पता है कि ये 2011 जीत चुके हैं, 1983 जीत चुके हैं, वो लगता है इस साल हैट्रिक तो होनी चाहिए। नहीं पर ये बताओ, जैसे पहले सचिन तेंदुलकर कहते थे कि 100 बनाना था तो हाउसकीपिंग वाला स्टाफ भी जो है आकर बताता था ऐसे सेंचुरी बनाओ, अब वो ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग जब कैच छूटता है या आउट हो जाते हो, मैं तो स्टार्टिंग में मैचेस नहीं खेला था तो बाद में मुझे धोनी भाई बोलते थे या कोच बोलता था, आशीष नेहरा बोलता था कि जब भी मैं बॉलिंग करूंगा नेट पे आप मेरे साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा जिम करो। मुझे वो रेडी होना था कि मेरा अपॉर्चुनिटी जब मिलेगा मुझे छोड़ना नहीं है वो। सुरेश, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, एज अ फैन आल्सो और ऐसे कोई भी एक आम इंसान भी अगर भारत में क्रिकेट देखता है तो ये जवाब आपसे जानना चाहेगा क्योंकि आप वर्ल्ड कप का हिस्सा रह चुके हैं 2011 का, कि जब वर्ल्ड कप के लिए खेलना होता है एक क्रिकेटर को, तमाम फॉर्मेट्स में आप खेल चुके लेकिन वर्ल्ड कप के लिए जब खेलना होता है तो कितना प्रेशर एज अ क्रिकेटर आपको रहता है, किसी भी एक क्रिकेटर को रहता है? प्रेशर तो होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जब देश के लिए खेलते हैं ना एक अलग तरीके से जज्बा होता है। आपके पास डॉक्टर्स हैं, कोचेस हैं, आपके लव्ड वंस हैं, आपके मॉम डैड के लिए खेल रहे हो, अपने देश के लिए खेल रहे हो, तो सबसे अच्छी बात है कि आप अपने प्राइड के लिए खेल रहे हो, तो प्रेशर रहेगा लेकिन आपको उसको शॉर्ट आउट कैसे करना है, किस सिचुएशन में रह के आपको अपने देश को वर्ल्ड कप जिताना है। क्योंकि 1984 में जब खेले थे कपिल पाजी जी, 2011 में जब खेले तो बहुत लंबा गैप हो गया था वो, तो फिर गैरी ने वो टीम बनाई धोनी के साथ, आप देखेंगे बहुत तगड़ी टीम थी वो, बीच में हारे लेकिन लगता था कि कहीं ना कहीं से हम जीत जाएंगे वो, तो वो लोगों की दुआएं लगी। जैसे बीच में श्वेता जी पूछ रही थी कि वो फैंस वैल्यू कितनी इम्पैक्ट करती है, और आप जब किसी बड़े कैंपेन के लिए जाते हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, फिर ऊपर वाला है साथ देता है जब आप दम से मेहनत करते हो। अच्छा, अदिति को रोको नहीं, अदिति माइक बिल्कुल। मैं पूछना चाह रही थी आपने घड़ी कौन सी पहनी? ये घड़ी मैं दोहा से लेके आया था, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि does it empower a sports person, you know, when it comes to playing also? It depends, I think, if you have money, joke, आप invest कर सकते हो। ये भी हो सकता है, वो पूछ रही हूँ कि घड़ी पहनने के बाद किसका टाइम अच्छा चल रहा है। ये भी बिल्कुल, घड़ी टाइम तो अच्छा चल रहा है उसका भी, पर मेरे दो बच्चे हैं तो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ वहाँ ज्यादा इन्वेस्ट करूँ। और खाना बनाना सबको आना चाहिए, आई थिंक आप लोग सब वुमेन एम्पावरमेंट में हो, यू गाइस आर वेरी इंडिपेंडेंट, तो एज ए हस्बैंड, एज ए ब्रदर, एज ए सन, आई थिंक सबको खाना बनाना आना जरूरी है। वैसे भी कहा जाता है ना कि महिलाओं से ज्यादा पुरुष बहुत अच्छे कुक होते हैं, आप अच्छे कुक हैं या आपको खाना ज्यादा पसंद है? नहीं नहीं, दोनों कुक भी पसंद है, खाना बनाना भी। मैं जो सब्जियां लेने जाता हूं, सबसे अच्छी डिश कौन सी आपको लगती है? राजमा चावल, कढ़ी चावल, मुझे चंपारण बहुत पसंद है। अच्छा, जी जी। नहीं पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि क्रिकेट मैच जब आप खेल रहे होते हैं तो आप नहीं, अभी क्या इंडियन क्रिकेट टीम पर रिस्ट्रिक्शन होंगी इस समय कि ये खाओ ये नहीं खाओ, जो पसंद भी है पता है कि वर्ल्ड कप जीत गए उसके बाद मन भर के खाएंगे? नहीं, डाइट होता है बिल्कुल, आपके डॉक्टर्स होते हैं, आपके पूरा एक डाइट चार्ट होता है, वो डिपेंड्स करता है कि हर प्लेस का एक अलग रूटीन है। आपने क्या खाया था 2011 जीतने में? मैं घर का खाना या राजमा चावल, कढ़ी चावल, उस टाइम पे इतना डाइट
क्योंकि मैं 23 साल का था उस टाइम, बिल्कुल अलग चीजें थी। फिर एक टाइम के बाद आप ट्रेनिंग करते हो, खाना तो घर का ही होता है वो, आई थिंक सभी दाल रोटी दाल चावल वो सेम ही हो, उसमें वही ताकत। लेकिन आप कितना रिकवरी टाइम करते हो, कितना अच्छा सोते हो, सोच कैसी है आपकी, खाने के बाद अगर आप एग्रेसिव हो रहे हो या आप सो नहीं रहे तो फिर खाना आपको फिर डाइजेस्ट नहीं होगा। सुरेश, मैं आपसे एक हार्ड सवाल एक सॉफ्ट सवाल दोनों पूछूंगी। हार्ड ये है कि जो एक दौर था जो आपने देखा 2011 का, उस टाइम जो प्लेइंग 11 था उसके एक एक नाम लोगों को याद रहते थे, आज आपको नहीं लगता कि वो दौर थोड़ा खत्म सा हो गया है, वो फेज आउट हो गया? दो तीन ही नाम हैं पूरी टीम में जो लोगों के जहन में रहते हैं और याद रहते हैं, और अब वो वाला चार्म नहीं है, जैसे द्रविड़ का चार्म और आपका चार्म इंक्लूड कर लेते हैं आपको, और धोनी का चार्म, सबका चार्म जो है वो, मतलब लड़कियों के सर अब तो एक ही दो नाम है, शुभमन गिल को देख लीजिए या फिर एक आध और यंगस्टर्स हैं उनको देख लीजिए, उन्हीं का चार्म है बस। 2011 में ना प्लेयरों की शादी नहीं हुई थी, 2023 में शादी हो चुकी है, अभी गिली बचा है, ईशान किशन बचा है, सब तो शादीशुदा है। दूसरा सवाल ये आपसे कि लकी चार्म कितना काम करते हैं, क्योंकि टोना टुटका अब मैं ऐसे खेलूंगा, इस राइट हैंड में ये पकड़ कर जाऊंगा या यहाँ पर ये ब्रेसलेट पहनूंगा, वो प्लेयर्स में कितना डोमिनेंट रहता है, आपके साथ कितना है या फिर आपने और लोगों में भी देखा है बिहाइंड द सीन्स ड्रेसिंग रूम में ये डिस्कशन होता है? मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके जाता था तो बजरंगबली की ताकत मुझे महसूस होती थी। तो ये सुरेश हमारी बात हो गई कि हमको कैसा खाना है, कैसे टाइम से सोना है, जो नींद बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छा खेल दिखाना है आपको, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या खास प्लेयर्स करते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि अभी भी ना यंगस्टर्स एक अलग तरह के स्ट्रेस में है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो एक बहुत अलग तरह का स्ट्रेस रहता होगा, वहां कैसे मैनेजमेंट करके कैसे अपने आप को बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना है? आई वुड से कि टीम मॉर्निंग बहुत जरूरी, जैसे सब लोग आप सवाल पूछ रहे हो ऐसे, वहां से सचिन बैठते थे, द्रविड़, जब हम ऐसे खेलते थे वो, तो हमारा ब्रेकफास्ट डिनर लंच टुगेदर एक साथ होता था, वो स्विमिंग करना एक साथ, जिम का टाइमिंग होता था वो बॉलर्स का एक साथ, फिर बैटर्स का एक साथ, फिर मुझे लगता है वो एक टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है वो। जिस तरीके से आपने वो अच्छा बोला कि जब क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल आया तो स्ट्रेस बहुत बढ़ गया था वो, क्योंकि आप होम ग्राउंड में खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन, उसके बाद पाकिस्तान के साथ मैच था मोहाली में, और वही सिचुएशन तो अभी पाकिस्तान के साथ खेलते खेलते स्ट्रेस बढ़ जाता है क्या, मतलब टेंशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है? नहीं बढ़ता, आई थिंक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है लोगों की, वो ब्रो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल तरीका था पाकिस्तान मैच खेलने से पहले, पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है और आज नेशनल टेलीविजन पर बताइए। नहीं, मैं बॉर्डर के गाने सुनता था वो, तो मतलब संदेश आते हैं या वो गाता था, अभी भूल गया ना गाने, गा के सुनाना पड़ेगा आपको, पहले आप गा के सुना दें, उसके बाद गीतिका बहुत अच्छा गाती है, गीतिका के साथ गा लेंगे। नहीं आप सुनाइए, मैं आपको साथ दे देंगे, स्टार्ट कर लो गीतिका। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। क्या बात, तो वर्ल्ड कप के लिए गाते थे, अभी वर्ल्ड कप ट्रॉफी आई नहीं, घर सोना पड़ा है तो इसलिए। लेकिन आपने तो पहले भविष्यवाणी कर ली है। अच्छा, आप तो अभी भारत में ही हो रहे हैं सभी मैचेस, अब जब क्राउड में स्टैंड्स में क्राउड होता है, हाउ डज दैट मोटिवेट यू, जोश भरता है जब आप प्रेशर में होते हैं, डज इट हेल्प एनी वे? एब्सोल्युटली, जिस तरह से आप देखेंगे कि मैच जब स्टार्ट होता है उससे पहले आपका नेशनल एंथम होता है वो, तो जब वो जय हो होता है तो उसी में छाती चौड़ी हो जाती है वो, कि देश के लिए स्पेशल। और लड़कियों के होने से कोई फायदा होता है स्टैंड्स में? नहीं, वो तो आप बॉल को देखते रहो, सब मैच स्टार्ट हो गया है वो। उसके बाद लड़कियों की बात की है तो आजकल जो है वाइब्स भी होती है आपकी जो आपको बहुत चीयर अप करती है, तो उससे कोई खास मोटिवेशन मिलती है? नहीं बिल्कुल, जब भी साथ में होते हैं, जब उस टाइम पे अलाउड नहीं थे, अभी अलाउड किया है, तो बिल्कुल एक, जब आप एक स्ट्रेस में होते हो तो आपको पता है कि आपका जो कंपेनियनशिप होती है, जो आप शेयर कर सकते हो, बहुत जरूरी है वो। फिर आपकी डॉटर है, आपका बेटा है, तो एक उनके लिए खेलते हैं कुछ लोग, जैसे हमने सचिन तेंदुलकर के लिए खेला, वो छठा वर्ल्ड कप वो खेल रहे थे, जीते थे नहीं वो बिल्कुल भी, हो तो फिर आप अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, प्राइड के लिए खेलते हो, बहुत जरूरी है। सुरेश, आप खुद इतने बेहतरीन फील्डर रहे हैं और 200 प्लस आपने ओडीआई मैचेस भी खेले हैं, तो आप अपनी फिटनेस को लेकर कैसे प्रिपेयर करते थे और वर्ल्ड कप में क्या उसमें कुछ बदलाव आते थे? मैं मुरादनगर से पहले छोटे से कस्बे में रहता था, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो, मैं पतंग बहुत लूटता था भागते भागते कभी नाले में गिर गए, कभी किसी के पड़ोस के घर में गिर गए, कभी वो तारों पे कपड़े सूखते थे ना, उससे गले में चोट लग गई, जैसे मांझे में कटता था, तो इसलिए मैं फील्डिंग करना सीख गया। आपसे दो सवाल है,
वर्ल्ड कप की तो बातें होती रहेंगी, लेकिन आपने इतना क्रिकेट खेला है, इतने सालों में सबसे यादगार पल क्या रहा है आपको ऑन फील्ड? आई थिंक मेरा डेब्यू मैच, जब 2005 में मुझे टेस्ट कैप मिली राहुल भाई से, मैं हमेशा उनको आइडलाइज करता था, टेस्ट कैप भी वहीं से मिली, वो फर्स्ट टाइम वो देश की जर्सी पहना हो, जब इंडिया का लोगो वो रहता है, अब इंडिया लिखा रहता है, वो सब बच्चे का ड्रीम है, हम लोग इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में, हर बंदे को सचिन बनना है, धोनी बनना है, तो आई थिंक फर्स्ट टाइम इंडिया की जर्सी पहनना मेरे लिए बहुत प्राइड मोमेंट था। मैं चाहूंगी कि 2011 का आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उस समय जितने भी खिलाड़ी थे किस तरह का दबाव था, खासतौर से आखिरी के जो 2-3 मैच थे उनको लेकर, और अभी जब हम खेलने के लिए जा रहे हैं वर्ल्ड कप, तो इस समय और उस समय किस तरह का फर्क आप देख रहे हैं दोनों के बारे में? उस टाइम प्रेशर एक अलग था क्योंकि आपको लीग बेसिस में खेलना था, अभी क्वार्टर फाइनल नहीं है, सीधा सेमीफाइनल होगा, तो क्वार्टर फाइनल आपकी डिफेंडिंग चैंपियन, उसके बाद आपका जो पाकिस्तान से सेमीफाइनल और श्रीलंका हमेशा क्वालिफाई करती थी आईसीसी ट्रॉफीज में, प्रेशर से ज़्यादा आपको एक प्रूव करना था कि हम अपनी सॉइल पे अपने देश का ही डिफेंड करेंगे वर्ल्ड कप, क्योंकि कोई भी नेशन अभी आप देखेंगे वो नेशन जीते जिनके होम ग्राउंड पे हुआ है, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया दो बार उधर जीता, 2015 उसके बाद फिर 2019 में इंग्लैंड जीता है अभी इंग्लैंड में, तो आई थिंक इंडिया का बहुत अच्छा चांस है वो, तो प्रेशर से ज्यादा मुझे लगता था कि आपको वो सिचुएशन में रहना बहुत जरूरी हो। लेकिन अभी तो ये ट्रेंड हो गया ना कि जहाँ पर आयोजन हो रहा है वही टीम जीत रही है। नहीं ऐसा नहीं, आई थिंक प्रेशर भी बहुत होगा, आप देखो जिस और ये फर्स्ट है जो अकेले इंडिया जिसको होस्ट कर रहा है, हाँ इसीलिए ज्यादा प्रेशर क्योंकि 20 वेन्यूज है, आई थिंक 48 गेम्स होंगे, 10 टीमें होगी, वेदर हम जब खेले थे अप्रैल में खेले थे, अभी अक्टूबर नवम्बर में होगा, तो आप जब हिमाचल जाओगे तो ठंडा होगा, थोड़ी गुनूदगी होगी एक वेदर में, लखनऊ साइड जाओगे तो ड्यू ज्यादा होगी, ट्रैवल बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ ये जो बात आप कर रहे हैं, हम हमेशा जब भी क्रिकेट मैच आता है तो हम ये कहते हैं कि चूंकि हमारे प्लेयर्स बाहर खेलने गए हैं तो बाहर के मौसम को देखते हुए शायद उन्हें अडॉप्ट करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए खेल में दिक्कत हो रही है, लेकिन ये तो होम ग्राउंड है, तो इसमें भी क्या ऐसा लगता है कि इसमें भी प्रॉब्लम्स होती है क्रिकेटर्स को अडॉप्ट करने में? क्योंकि आप देखेंगे जो स्टेडियम अभी नए बने हैं सारा रिले हुआ है, विकेट लखनऊ देखो नया बना, उसके बाद देखो हिमाचल भी पूरा अच्छे से रेडी हुआ, फिर अभी जो मोदी सरकार स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद, उसकी कैपेसिटी 1,00,000 से ज़्यादा है, उस टाइम जो हम लोग खेले थे उसमें 50,000 फैंस आते थे या 30,000, तो आप जब देखोगे क्राउड ज़्यादा होगा तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, आपका शोर गुला ज़्यादा होगा, जिस तरीके से आप कैसे करते हो आप, तो मतलब मोदी स्टेडियम में 1,00,000 से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी होगी, तो फिर हैंडल कैसे करेंगे वहाँ पे खिलाड़ी जो मैदान में उतरेंगे? थेपला फाफड़ा खा के जाओ, मैं जीत गया। अच्छा 2011 में जब आप लोग ईडन गार्डन्स में इतनी भीड़ रहती थी, पर पॉइंट ये हो जाता है कि जैसे गैबा में हो गया, ब्रिस्बेन में हो गया, कि चारों तरफ से ऐसा शोर, और इंडियंस तो आजकल हर जगह है, तो होम ग्राउंड और नो होम ग्राउंड, यहाँ के कंडीशंस की बात हो जाती है ज्यादा मुझे लगता है। नहीं कंडीशन मैटर करता है, क्योंकि आप देखो जैसे एज आई सेड कि पहले जो मैचेस हैं वो डिफरेंट कंडीशन में हो रहे हैं, चेन्नई में अलग है, वहाँ थोड़ा स्पिन होगा, आप हिमाचल जाओगे और माउंटेन में थोड़ा अलग कोल्ड ब्रीज आएगा तो वहाँ फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी, दिल्ली में जब डच टीम आएगी खेलेगी उनका अलग तरीका होगा कि थोड़ा टीम खास कर। शाम को नहीं मतलब हॉलैंड में तो जाते रहते हैं, तो इसलिए हॉलैंड में ससुराल है इसलिए। नहीं ससुराल मेरठ में। इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर हमेशा सब में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, और इस बार भी आपकी फेवरेट टीम और फेवरेट मैच अभी तक का कौन सा रहा है, किस टीम के साथ रहा है? अभी पाकिस्तान डेफिनेटली, जो वर्ल्ड कप हम सेमीफाइनल जीते मोहाली में, दोनों प्राइम मिनिस्टर थे, जो ये जोन बंद कर रखा था, अलग प्रेशर था वो क्योंकि इतने रन बने नहीं थे, उसके बाद 2010 का एशिया कप वो जब भजुपा में हम लोग साथ में खेले, बहुत सारे एक ऐसे ऐसे स्मॉल वो मूवमेंट है, मतलब आप उसको भुला नहीं सकते वो। बॉर्डर वाली रेवलरी मैदान में नजर आती, क्योंकि वहां तो दिखता है पाकिस्तान में टीवी बड़े टूटते हैं, यहाँ पे हम खूब ढोल नगाड़ों पे डांस करते हैं, एक बार मैदान पे कैसे होता? एक बार मैं आज तक के साथ ही एलओसी गया था श्वेता जी के साथ, तो किसी जवान ने मुझे बोला सर आप जीत के आए थे वर्ल्ड कप, हम लोग एक शो किया था आज तक ने वो, तो वहाँ बोला था कि जब सब आप लोग जब इनसे जीतते हो तो हमें तो आर्मी से हमें वो गोली बारूद का जवाब किसी को देना नहीं, तो सबसे ज्यादा बॉर्डर पे ना वो गोली चलाते हैं, तो इनसे नहीं हारना, किसी से भी हार जाओ। सुरेश आपने अपना अधिकांश क्रिकेट लखनऊ में खेला है, वहीं पर आपने अपने प्रिमिटिव ईयर्स जिसे कहेंगे करें, अब तो वहाँ वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बन गया है, लेकिन आपको लगता है कि गली मोहल्ले के क्रिकेट को खेलकर भी कोई इंटरनेशनल प्लेयर बन सकता है, मतलब फैसिलिटीज ना होने के बावजूद भी? जी बिल्कुल, अगर टैलेंट है। बिल्कुल, आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए रिंकू सिंह का, उनके पिताजी सिलेंडर बेचते थे, और भी ऐसे यशराज उसको देखा, अपना यशस्वी जायसवाल को, उसके पापा गोलगप्पे बेचते थे, मेरे फादर खुद आर्मी में थे, 5 भाई बहन उसके बाद आर्मी में थे, वो कश्मीर से हम मुरादनगर आए, उसके बाद
लखनऊ से मैंने तालीम हासिल करी है, एज यू सेड कि वहाँ अभी स्टेडियम आ गए, कानपुर में था पहले, हॉस्टल होता था, अभी कोई भी माँ या कोई भी बाप बच्चों को बाहर हॉस्टल में भेजता नहीं, कि बहुत मुश्किल हो गया अभी वो। हॉस्टल के किस्से भी सुना दीजिए। नहीं, वो किस्से तो पूरी रात बीत जाएगी। अगर सुरेश जी आपसे पूछना था मुझे सवाल, कि अगर थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर एक शॉट आप अपने नाम कर सकते हैं, आपको इन्वेंट करना पड़ेगा वो शॉट, और आप उसको क्या नाम देंगे और ये क्या शॉट होगा? शॉट मतलब किस सिचुएशन में बोलना है वो शॉट? जैसे हेलीकॉप्टर शॉट है ना धोनी का। आपका कुछ सिग्नेचर शॉट अगर आप बना सकते हैं। मेरे लिए तो वो स्लॉगर है, द स्लॉगर, द कैचर्स, तो वो शॉट ओवर कवर जो मैं खेलता था, जो मेरे अगर कोई खेलता था, रजनीकांत टाइप शॉट बना सकते तो वो फिर दोनों हाथ से बैट खेलेगा। जैसे अभी रविंद्र जडेजा भी तलवार निकाल के खेलता है वो। सुरेश, या फिर आप तो दोनों काम करते थे, एक से बैटिंग और एक से बॉलिंग। बैटिंग फिर कैचिंग हो गई, वो जो आप फील्डिंग करते हो। तो मेरा फिर से सवाल आ गया मेडिटेशन एंड योगा पे, वो कितना हेल्प करता है और क्या हमारे क्रिकेटर ये सब करते हैं? क्योंकि अभी ना बहुत सारे लोगों को बार बार सलाह दी जा रही है, बार बार कहा जा रहा है कि अगर आपको बहुत टेंशन है बहुत अलग अलग चीजों की वजह से, तो प्लीज आप ये शुरू करिए और ये मिरेकल दिखाता है, तो डज इट वर्क? उस टाइम भी मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैं किशोर कुमार साहब का बड़ा फैन हूँ, कुमार सानू जी, अरिजीत सिंह, गाने बहुत सुनता था मैं वो। अब सुना दें आप, आगे बढ़े उसके पहले। गला थोड़ा खराब हो गया है। नहीं, ये चलेगा नहीं कि गला खराब हो गया है। वो पहले सारे लोग साथ देने के लिए बैठे हुए हैं। पहले आप सुना दें, और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी है सुरेश आपसे, 2011 में जब आप लोग खेलने के लिए जाते थे मैदान में, या उसके पहले ड्रेसिंग रूम में, या आपस में जब होटल में आप लोग साथ में रहते थे, तो किस तरह की बातें होती थी? कोई ज्यादा चुलबुला होता था तो क्या उसको कैप्टन की ओर से कहा जाता था थोड़ा गंभीर रहो, अभी मैच है सीरियस हो जाओ, क्या इस तरह की भी बातें होती थी, या सब कुछ मस्ती मजाक सब कुछ साथ साथ चलता था? नहीं, मस्ती एक लिमिट तक होती थी, लेकिन इम्पोर्टेंट था कि टीम बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। आप ट्रेवल कर रहे हो बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से आप जा रहे हो चेन्नई, चेन्नई से आपको मोहाली आना है वाया मुंबई, तो उसमें आपका हॉल्ट बहुत ज्यादा होते थे, तो ऐसी जैसे हम लोग बैठे ऐसी नॉर्मल बातें होती थी, लेकिन स्विच ऑन स्विच ऑफ का गेम होता था। जैसे ही लगा कि कल आने वाला है, आपका डाइट चेंज हो जाता है, आपका रिकवरी टाइम चेंज हो जाता है, आपका स्विमिंग स्ट्रेंथ सेशन और मसाजेस जो आप करते हो एक पर्टिकुलर रीजन में, फिर आप सोचते हो कि विजुलाइज करते हो मैचेस के लिए। बट मोर इम्पोर्टेंटली, हाँ बताइए, आपने स्विच ऑन की बात की, तो मैं इसी पे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का अभी इतना दौर है, तो प्लेयर्स बिफोर इंटेंसिटी मैच से पहले, मतलब वो कैसे सोशल मीडिया को कितना पास या कितना दूर रहते हैं? अभी मैं रीति कोई पिक्चर आ जाए बिना पहले, तब काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है कि रात में मार्टिंग कर रहे थे, कोई वीडियो आ गया, तो ये इसी सवाल से जुड़ा हुआ है कि उसको अवॉइड करने के लिए या ऐसी पिक्चर्स ना आए या फिर हम ना जाएं, डिसिप्लिन में रहे, ये एक दबाव रहता है क्योंकि बेसिकली आई थिंक खुशी सोशल मीडिया रैशनिंग के बारे में पूछ। सोशल मीडिया में आजकल जितना आपको जज करते हैं लोग, तो उसी पे मैं जानना चाह रही हूँ कि प्लेयर्स मैच से पहले कितना सोशल मीडिया खोलते हैं या देखते हैं नहीं देखते। स्वाइप अप नहीं, रोहित का आपने देखा होगा, अभी उसकी वाइफ मैनेज करती है सारा उसका, तो 9 महीने से उसने देखा ही नहीं है सोशल मीडिया कहीं पर भी। जो भी पोस्ट करना है वो करेगी, जो भी लाइक्स करना है वो करेगी, जो डीएम आता है ना वो भी मेरी वाइफ भी देखती है। अच्छा। तो पता रहता है सर, हमने आपको देखा है, आप काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे और काफी डांस वीडियोस भी देखी है, तो आपको मतलब डांस वगैरह का भी शौक है? घर की दिखा दीजिए, ये कहना है अगली लाइन में हो जाए। डांस नहीं किया मैंने ज्यादा, डांस नहीं किया मैंने। गीतिका गाओगी? नहीं नहीं, गीतिका भी सवाल पूछना चाह रही है बेचारी, पिछली बार भी गाना आ गया था इससे। जब आप फील्ड पे जाते हैं, और जैसे बात की हम लोगों ने कि पाकिस्तान से जब मैच होता है तो स्ट्रेस रहता है, आपने जब यहाँ एंटर किया, 1, 2, 3 नहीं 10-10 एंकल्स बैठी थी, उस टाइम आपको किस तरह का स्ट्रेस था? नहीं स्ट्रेस नहीं है ना, अभी आप देखेंगे एक रूल नया आया आईपीएल में, जो आने वाले इंटरनेशनल मैचों में इम्पैक्ट प्लेयर रूल, तो आप देखेंगे 11 इधर मैं इम्पैक्ट प्लेयर रूल वाला बताऊं। अच्छा छोड़, हम लोग आर्ग्यूबली बेस्ट फील्डर ऑफ द वर्ल्ड के साथ बैठे हैं इस समय, मतलब एक जॉन्टी रोज को देखते थे, पता नहीं था कि इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसा होगा, पहले मोहम्मद कैफ कुछ एक पार्ट उनमें दिखा, लेकिन जब आप टीम में थे उस समय टीम की फील्डिंग यूनिट पूरी थी, अभी थोड़ी ग्राउंड फील्डिंग मुझे थोड़ा सा एक डाउटफुल लग रहा है, पर कैचेस अगर ड्रॉप हो जाते थे तो सिर्फ वो बॉलर गाली देता था या टीम में बाद में मीटिंग में भी पड़ती थी? मीटिंग में, लंच में, डिनर में, सुबह सुबह उठते गुड मॉर्निंग नहीं हुआ तो वो अलग चलता था वो। आई थिंक अगर आप बॉलिंग कर रहे हो, अगर मैंने कैच छोड़ा तो आपका 4 विकेट से 5 विकेट हो सकता है वर्ल्ड कप में, तो हो सकता है पूरे महीने वो बात ही ना करे, इसकी वजह से मैं 5 विकेट हॉल रह गया। अगर ये 99 पे बैटिंग कर रही है, तो अगर मैंने रन आउट करा दिया तो ये मुझसे 1 साल बात नहीं करेंगे
कि 100 मिस हो गया वर्ल्ड कप में, तो रहता है वो, बट गलती से नहीं होता। मैनेज कैसे करते हैं फिर इस चीज को आप लोग? नहीं फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके आते ना। नहीं लेकिन आपस में अगर किसी का कैच ड्रॉप हो गया तो वो मतलब गुस्से से वो देखेगा, फिर उससे दोस्ती कैसे? अगर वो मैच हार गए तो फिर कभी कभी अनबन हो जाती है। अगर वो मैच आप जीत जाते हो शाम को तो उसको फिर पता है कि इंडिविजुअल स्कोर से ज्यादा देश को जीतना बहुत जरूरी है, तो देश जीतेगा तो फिर आगे बढ़ेगा। अच्छा जब स्पेकुलेशंस होते हैं आपकी परफॉर्मेंस को लेकर, तो आप उसको सीरियसली लेते हैं? बिल्कुल। जब मीडिया से या लोग बोलते हैं, और जब आपके टीम के लोग और आपके बोर्ड के लोग आपको बुलाते हैं, उसमें व्हाट डू यू टेक मोर सीरियसली? आई थिंक पहले तो आप एक वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होते हो। मैं उस टाइम 100 मैचेस खेला था वनडे, और मैं टेस्ट वनडे टीम का हिस्सा नहीं था, तो मुझे एक और मोटिवेशन मिला कि मुझे और मेहनत करनी है, मुझे दिखाना है, ऐसा टाइम आएगा जहाँ मुझे हीरो बनने का मौका मिलेगा। वो क्वार्टर फाइनल में थोड़ा कैमियो खेला, सेमीफाइनल में थोड़ा खेला, लेकिन वो इम्पैक्ट ज़्यादा था। आप देखेंगे 2020 में 30-40 रन ना वो मायने नहीं रखते, लेकिन वो खेले जाते 10 गेंद पे 12 गेंद पे, तो उसका कैमियो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो मुझे मौका मिला उस टाइम, मुझे चांस मिला और देश को जिताने का अवसर मिला, तो वो अच्छा लगा मुझे। देश में हमेशा से ये जानना चाहती थी कि रिटायरमेंट का डिसीजन कैसे होता है, क्या अब लगता है कि अब मुझे गेम को अलविदा कहना चाहिए, जबकि कई लोगों का ये मानना होता है कि अभी आप में क्रिकेट बचा है, अभी आप 2-4 साल और खेल सकते हैं। आपके केस में भी ऐसा कई लोगों को लगा था, लेकिन कब आपने सोचा कि मुझे सारे फॉर्मेट से संन्यास लेना है? नहीं, मुझे ना एक्चुअली जब मैं छोटा था मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया नहीं था अपने मॉम डैड के साथ। रिटायर हुआ जब, तो फिर पापा की तबीयत खराब हो गई, फिर मेरी बेटी हुई, बेटा, तो मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। वो मैं अच्छा पूरा बॉडी था मेरा, थोड़ा सिक्स पैक भी आ गया था वो। फिर मेरे जो बड़े भाई हैं ना वो रिटायर हो गए, महेंद्र सिंह धोनी, तो मैंने कहा चलो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इमोशनल फैसला ज्यादा था, मुझे याद है मैंने वो खबर पढ़ी थी, हॉस्टल में रहा हूं मैं। ये कह रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी किससे दोस्ती निभाने के लिए सुरेश रैना ने, दोस्ती नहीं भाई, मैंने एक्चुअली मुझे स्पेंड करना टाइम अपने बच्चों के साथ, क्योंकि मेरी वाइफ धोनी का इंतजार कर रहे थे आप? नहीं नहीं, मुझे लगा कि मेरा भी टाइम आ गया है वो। मैं जाता हूँ थोड़ा गाजियाबाद, थोड़ा बच्चों को हॉलीडे पे लेके जाता हूँ। एक्चुअली माही सिर्फ 2 मिनट की टीम मीटिंग लेते थे या ये बातें सिर्फ कहते कहते? नहीं नहीं, 2 मिनट नहीं, 30 सेकंड, 2 मिनट ज्यादा बता रही हूँ। मतलब कंपैरेटिवली अलग अलग कैप्टन के अंडर जैसे 5 बैट्समैन हो गए, ओपनर 3-4-5, तो इनको बोला अच्छा खेलना है, आउट नहीं होना, खत्म। और ये बॉलर्स हो गई कि अपना अपना देख लो, हम 20 रन बना के एक्स्ट्रा देंगे, अगर रन नहीं रुके तो फिर देख लेना अगले मैच में, तो रिटेन नहीं होगा, खेलेगा नहीं। और रोहित तो आपके साथ के हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं, तो उनकी कैप्टनसी? नहीं, उनके आसपास देखेंगे, राहुल भाई बहुत सीरियस क्रिकेटर है, तो मीटिंग तो 1 घंटे की चलती होगी। और उसके बाद जो बॉलिंग कोच है अपना पारस जी हैं, और भी प्लेयर हैं काफ़ी, बट अभी टाइम चेंज हो गया, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी 4 बॉलर के साथ खेल रहे हो, फिर स्पिनर भी है, तो अलग तरीके का क्रिकेट हो रहा है। उस टाइम पे मुझे लगता था कि धोनी भाई, जहीर भाई बॉलिंग यूनिट के कप्तान थे, हरभजन सिंह बॉलिंग स्पिनर के कप्तान थे, फिर माही भाई थे, तो पाजी बैटिंग के कप्तान थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। 2011 और 2023 की बात हो रही है, तो 2011 के डूज एंड डोंट्स आप कुछ अंदर की खबरें बताएं, और 2023 में अब क्या कुछ होता होगा, डूज एंड डोंट्स मैदान में उतरने से पहले प्लेयर्स को क्या कहा जाता है? नहीं, जैसे उन्होंने पूछा ना सवाल, अभी इतनी सोशल मीडिया ज्यादा हो गई, तो प्रेशर ज्यादा है प्लेयर के ऊपर। अब देखो प्लेयर अच्छा नहीं कहता, उसकी वाइफ, उसकी गर्लफ्रेंड भी ट्रोल होती है, वो खामखा है। उसके बाद उस टाइम 2011 में नहीं था वो। आप लोग देखते हैं, आप लोग नहीं, अभी फैमिली को कुछ बोलेगा अगर तो मुझे भी गुस्सा आएगा। जिस दौरान आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो उस दौरान आप लोग को अलाउड होता है कि आप सोशल मीडिया भी देखिए? नहीं, 2011 में तो सोशल मीडिया थी नहीं, अभी इस बार नहीं, ये इंडिविजुअल चॉइस है, वो फोन से वो बीसीसीआई नहीं बोल सकते ना, इंस्टाग्राम हटा दो, ट्विटर हटा दो, बट प्लेयर की वो पर्सनल चॉइस है, और होनी भी चाहिए कि आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हो, और जिस दिन अच्छा करता ना कोई तो देखता जरूर है किसकी तारीफ करें। क्या होते थे स्पेशली, क्या आप लोगों को कहा जाता था मैदान में उतरने से पहले, फाइनल मैच से पहले? नहीं, हम लोग एक्चुअली फोन बस में चले जाते हैं, और रात को जो भी उसको सोना है तो बंद करके ही सोता है वो, क्योंकि फिर वो एक एक्स्ट्रा बर्डन लेना, क्योंकि उसने मुझे लेकिन इसको रिवर्स करके देखोगे, अगर आपने मुझे बोला कि मैं खराब प्लेयर हूँ तो मैं अच्छा करके बताऊंगा आपको, तो वो पॉजिटिव भी रहता है काफी प्लेयर्स का। वो अगर विराट को कोई गाली बकता है ग्राउंड पे, वो उसको वापस देता है, 100 रन बना के जाता है वो, तो वो एक गुस्सा भी रहता है, वो लोगों को फायदा भी करता है वो। लेकिन एक चीज और है, मतलब हम लोगों ने वो खबरें पढ़ी हैं कि प्लेयर ने अच्छा नहीं किया, महेंद्र सिंह धोनी के ही हमने सब ने देखा था किस तरह से रांची वाले घर पे एक बार तोड़फोड़ हुई थी, लोगों ने पत्थरबाजी की थी, अलग अलग खिलाड़ियों को लेकर भी इस तरह की खबरें आती रही हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो। इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं जब आप लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं, तो क्या बातचीत होती है इन चीजों को लेकर? मुझे अपना बता सकता हूँ मैं, जब गाजियाबाद में मैं सेमीफाइनल खेला, मैंने पुलिस की गाड़ी तो भेजी थी घर पे अपने की सेफ्टी रखना, क्योंकि पाकिस्तान से मैच है,
अगर कुछ पथराव होगा या कोई फैन पहले ही भेज दी थी आपने? नहीं, ऐसे करना नहीं चाहिए एक्चुअली. मतलब सचिन को भी जब 2003 वर्ल्ड कप के समय अपील करना पड़ा था लोगों से, जब एक मैच. बिल्कुल, वो भी था. उसके बाद 2007 बड़ा खराब था, हमारे पुत्र जलाए गए थे. वो तो प्लेयर का नहीं कर सकते आप. तो लोगों से क्या अपील करेंगे आप? नहीं, अपील तो ये कि सिर्फ सपोर्ट करें. अभी टीम अभी सब पूरी एकदम कोशिश करेंगे वर्ल्ड कप जीतने की, क्योंकि 9 टीमें और भी हैं, वो भी जीतने आई है, अपने देश को रिप्रेजेंट करने आई है. तो सपोर्ट करिए प्लीज. अब से एक सवाल था, आपने इतने साल जैसे क्रिकेट खेला है, आप भी यू आर वन ऑफ द बेस्ट, बट यू शेयर्ड योर ड्रेसिंग रूम विद सो मेनी इंटरनेशनल स्टार्स. सबसे अजीब सुपरस्टिशन क्या रहा है किसी टीममेट या किसी प्लेयर के साथ? आईपीएल का बता सकता हूँ. ब्रेवो ना खेलने से पहले आम बहुत खाता था. हाँ, तो पता नहीं वो एक उसके कपड़े भी पूरे दोपहरी में एकदम चेन्नई में बहुत गर्मी होती है उधर, वो 42 डिग्री में आम खरीद रहे हो. फिर आप दूसरे प्लेयर देखोगे तो किसी ने जैसे रात को चाइनीज खाया या इंडियन खाया या फिर थाई खाया, अगर उस मैच में उसने अच्छा किया तो वो पूरे वर्ल्ड कप में वही खाता था. तो वैसा रहता है. मेरे साथ तो बड़ा चिकन खा रहा था. ऐसा नहीं है, मैंने अपनी आंखों से भी बहुत. सुरेश, आप और हरभजन दरअसल प्रैंक्स के लिए बहुत जाने जाते हैं. आप लोग बहुत ज्यादा बदमाशियां करते हैं विद इन द ड्रेसिंग रूम रूम्स, और ये एक नहीं बहुत सारे लोग बता चुके हैं और ये खबरें भी हैं. ये आपको कोई एक प्रैंक याद है जो उसके बाद उसका रिवर्सल करना मुश्किल हो गया और वो जिसके ऊपर प्रैंक की वो एकदम नाराज हो गया हो आपसे? नहीं, ऐसा प्रैंक भजूपा तो बहुत सीनियर है मेरे, वो ज्यादा प्रैंक करते हैं. आप भी करते हैं? वो यूपी पा के बहुत साथ है. हमारा वाला जो गैंग था वो इरफान, धोनी भाई, मैं, रॉबिन उत्तपा, दिनेश कार्तिक, आरपी सिंह, तो हमारा वो अलग तरीके का मजाक था. चाहे मैं एक प्रैंक ही बता दीजिए, अपना ही बता दीजिए. मुझे याद नहीं कोई ऐसा, तो दूसरा बताएगा मैं कैसे बताऊं. लेकिन जो ना एक स्मॉल टाउन का लड़का, छोटे टाउन का लड़का धोनी उस समय, आरपी, आप जो जो नाम लिए हैं आपने, वो सब एक्चुअली क्या वाकई स्ट्रगल ज्यादा बड़ा होता है एक छोटे शहर से निकल के जो यहाँ तक आता है लड़का, बनिस्पत एक मेट्रो का लड़का जो कि शायद जिसके लिए क्रिकेट अकेडमीज हर तरफ, और क्या ये इंडियन टीम की उस समय की बहुत बड़ी ताकत थी? नहीं, बिल्कुल. 2007 में जिस तरह से चित्रा जी ने बताया कि उनका पुतले जलाए गए, एक न्यूज चैनल पे शो आता था, तो वो मैच का मुजरिम, तो बहुत सारी चीजें होती थी. वो तो गांव से लोग आते थे, तो आई थिंक वो मॉम डैड को नहीं अच्छा लगता होगा. आप देश के लिए जब खेलने जा रहे हो तो एक अलग प्रेशर होता था, बट क्योंकि यूपी में सपोर्ट करने वाले उतने लोग नहीं थे, क्योंकि हमें पता था हमें 2 ही मैच मिलेंगे, अगर एक में अच्छा होगा तो एक सीरीज और मिल जाएगी, तो लगातार अच्छा करना बहुत जरूरी. छोटे फेडरेशन से, छोटे मतलब जैसे झारखंड हो गया, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन हो गया, वहां से आकर वर्ल्ड कप जिता कर मतलब उसे हाथ में. नहीं बिल्कुल, और सारे मतलब स्टेटों के लिए बोलूंगा मैं, ऐसे आप देखेंगे पंजाब से युवराज सिंह, जहीर खान महाराष्ट्र से, मतलब ये देश के लिए वर्ल्ड कप जीता है वो सब. पाजी छठा वर्ल्ड कप अपना खेल रहे हैं, कब से 92 भी खेले वो, 96 भी खेले, 99, 2003, 2007, 2011 में जाके जीते. तो मैंने तो पहला वर्ल्ड कप वो महसूस किया था, वो उसका मेडल जब मैं देखता हूँ तो लगता है इस साल एक वर्ल्ड कप आना चाहिए. एक और सवाल है, अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो फिर सुरेश रैना क्या होते? मैं आज तक मैं काम कर रहा हूँ. कैमरा पर्सन की जॉब होती है. नहीं, यहाँ सिंगिंग शोज होते हैं और उसके आप देखेंगे कि ट्रैवल करने को मिलता है. आज तक का शेफ वो कैंटीन में खाना खाया, मैं खाना आज तक में आप क्या करते हैं? सही, एक बात मैं एक सवाल जानना चाहूंगी, आप मटन अच्छा बनाते हैं ऐसा, तो आप चिकन है मटन है जब भी, अभी तो ऐसी कौन सा मसाला है जिस जो आपके टेस्ट को ज्यादा बूस्ट अप करता है? आई थिंक मैं बींग कश्मीरी और यूपी में पला बड़ा हूँ, तालीम लखनऊ से हासिल की, मतलब खड़े मसाले होने चाहिए घर के, छोटा सा गार्डन है ऊपर, तो हरी मिर्च लाल मिर्च, बेसिकली ना खाना बनाने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए, वो गुस्से में खाना गड़बड़ा जाता है वो, तो उसको मसाला वो अलग तरीके में है, तो एक अलग मोड में चला जाता है बंदा, वो बनाते बनाते फिर वो अलग हो जाता है वो. आपने रेस्टोरेंट खोला तो आउट ऑफ लव फॉर फूड खोला या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? आई थिंक मैं दिल्ली में अपने दोस्त से मिला था, एक मेरा फ्रेंड है, उसने बोला कि फूड टेस्टिंग के लिए आ जाओ. मैं खाना खाया मुझे अच्छा लगा, तो दिल्ली में मेरे 2 रेस्टोरेंट है. आई थिंक जब मैं हॉलैंड गया तो वहाँ कोई मेरा प्लान नहीं था. जो मेरी वाइफ शी इज प्योर वेजिटेरियन, तो उसको खाने में बड़ी दिक्कत आती थी, वो खाना वेज कभी अलग, तो फिर मैं घर पे बनाता था. सकती हूं, मैं भी वेजिटेरियन हूं. बहुत मुश्किल होती है जब आप यूरोप में उस टाइम जाते थे, फिर नहीं मिलता था, फिर मैंने बोला फिर 10% का थोड़ा देसी तड़का खिलाया जाए वो. तो भी बहुत भीड़ हो रही है, लोगों को खाना बड़ा पसंद आ रहा है. आप तो मटन बना के लाते हैं.
तो वहाँ पे वेजिटेरियन नहीं मिलता है कि नॉन वेज भी मिलता है? मैंने 10 शेफ रखे हैं मैडम उधर, मैं घर में खाना बनाता हूँ। अच्छा ये बताइए सुरेश, कई लोगों का स्ट्रेस बस्टर होता है कि खाना बनाना, खाना बना के सारी टेंशन रिलीज, लेकिन जब वाकई आप क्रिकेट खेल रहे होते थे उस समय जो प्रेशर होता था तो उसे रिलीज करने के लिए उस वक्त आप क्या किया करते थे? आई थिंक गाने ही, फिर हमारे एक मानिक काका थे जो हम ज्यादा बात करते थे उनके बारे में, हमारी टीम में रहते उनके रूम में हनुमान चालीसा, फिर जैसे यूसुफ था स्पिरिचुअल होता था, कुरान शरीफ भी पढ़ी जाती थी, आप देखेंगे कि यूसुफ अपने गाने सुन रहा है, जहीर भाई, पर बेसिकली वो पाजी आते थे बजरंग बली, महामृत्युंजय मंत्र बहुत चलता था ड्रेसिंग रूम में, वो सबसे बड़ा करीबी था कि जिस तरीके से एक क्यों देश के लिए आप खेल रहे हो। फिर चाय, चाय चलती थी, वो चाय पे चर्चा जो अभी चल रही है वो हमारे ड्रेसिंग रूम में भी होती थी, ये खाली है भरी नहीं चाहिए। नहीं मुझे इंतजार करते करते पी लिया, पांच ही कप दिख रहे हैं मैं, 11 लोग बैठे हैं। दिन में कितनी चाय पी लेते हैं? मैं चाय नहीं पीता, चाय बिल्कुल नहीं, ग्रीन टी, मैं गर्म पानी या हल्दी दूध या हल्दी में थोड़ा सा वो गर्म पानी, थोड़ा सा वो हनी। तो जब वहाँ चाय पे चर्चा चलती थी तो आप क्या पीते थे? मैं तब पीता था चाय, नहीं चाय बहुत लेटली छोड़ी है, ऐसा नहीं है, चाय नहीं, चाय वो पसंद नहीं, वो सुबह सुबह खाली पेट। सर, जब टीम में यंगस्टर्स आते हैं तो उनकी कैसे ट्रेनिंग होती है या उनको क्या सिखाया जाता है कि आपको ये करना है ये नहीं करना, स्टार्टिंग इनिशियल? उनको बोला जाता है कि मैच जीतना है। अभी गिल सुपरस्टार है, सबका दिल जीत रहा है वो, ईशान किशन मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, मैं उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, झारखंड से धोनी भाई के बाद कोई ऐसा एक विकेट कीपर बैट्समैन है जो काफ़ी आक्रामक खेलता है, और रिंकू सिंह अभी एशियन कप एशियन गेम में अच्छा किया है, आप देखेंगे यशस्वी जायसवाल फ्यूचर है, और बुमराह की वापसी हुई है, उसके बाद हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान है, केएल राहुल अच्छे से आए, शामी, सिराज, शार्दुल ठाकुर, जडेजा, अश्विन का वो टीम में आना क्योंकि उसके पास 2011 2015 2019 में भी था या नहीं पता नहीं, बट ये वर्ल्ड कप में पहला जो आगाज़ हो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, उसके होम ग्राउंड से हो रहा है, जब हम लोग पहला मैच उधर खेले, दो प्रैक्टिस मैच हुए, तो बहुत सारे, और विराट कोहली और अश्विन ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और जो 13 प्लेयर है ना उनको भी वो स्मेल चाहिए मेडल की, तो मुझे लगता है उन दोनों बताएंगे उनको कि क्या खुशबू आती है उस ट्रॉफी की जो अभी आपने पीछे रखी हुई। अश्विन की एंट्री तो भले ही, क्योंकि अक्षर पटेल को इंजरी हो गई थी इस वजह से एंट्री हुई है, लेकिन वो जो अपने साथ एक्सपीरियंस लाते हैं स्पेशली होम ग्राउंड पर, वो कितना टीम को फायदेमंद रहेगा? एक ही मैच होगा ना, उसके बाद जो दूसरे मैच होंगे उसमें आपके पास डिपेंड करता है, कुलदीप यादव त्रुप का इक्का होगा, वो बुमराह की गेंदबाजी, उसके बाद जो हमारे टॉप 5 है ना उसमें 4 को फायर करना होगा। इसमें 11 का हेडेक है कि मतलब बिल्कुल बहुत बड़ा हेडेक होगा वो, रोहित को देखना है कि वो श्रेयस अय्यर को खिलाएगा या सूर्य को खिलाएगा या वो ईशान किशन को खिलाएगा या फिर वो अश्विन को खिलाएगा तो जड्डू को ड्रॉप करेगा या वो जड्डू अश्विन खिलाएगा कुलदीप को ड्रॉप करेगा, तो उसको रोज डिसिप्लिन खानी पड़ेगी। छोटा सा सवाल था मेरी तरफ से, बेस्ट कैप्टन कौन है इनके लिए? माइक को वापस, इजी क्वेश्चन, बेस्ट कैप्टन आपके लिए कौन रहा है, ऑल टाइम फेवरेट? धोनी भाई। इजी क्वेश्चन है, मेरा सवाल ये था कि अभी हम देख रहे हैं कि वैसे भी ना पूरे इंडिया में हम देखें तो गली गली में क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन जिस तरह से आईपीएल आया है तो क्या यंगस्टर्स के लिए और जो बहुत अच्छा टैलेंट है जो अलग अलग छोटे छोटे शहरों से आते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है, उन्हें मौका मिल रहा है, वो निकल कर और उभर कर सामने आ रहे हैं? आप देखेंगे अभी जैसे रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल और भी प्लेयर हैं, एक विष्णोई हैं आप देखेंगे बहुत अच्छे बॉलर हैं वो भी, और अभी बहुत सारे बॉलर यंगस्टर फास्ट बॉलर भी हैं, मोहसिन खान फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उसके बाद देखेंगे शिवम मावी, और भी लड़के हैं बाहर से काफी खेले हैं। पहले मैंने सुना है बहुत बार ना, बार बार पेरेंट्स बताते थे कि देखो तुम टोटल 11 लोगों को ही रिप्रेजेंट करना है ना इंडिया को, तो तुम पूरा भारत क्रिकेट खेल रहा है कैसे चलेगा काम, कुछ और भी बात करो। उसके जब आईपीएल आया तो उससे हमारे क्रिकेट का एक बिजनेस बढ़ गया है, वो हर गरीब घर के पास आज 3 फ्लोर का मकान है, पहले नहीं होता था, वो अपनी बहन की शादी, अपनी शादी अच्छे से कर सकता है, अपने उन लोगों का सपोर्ट कर सकता है जो उनके लिए मेहनत करते हैं। यूपी क्रिकेट में मुझे याद है कि आपके साथ ही खेलने वाले क्रिकेटर ने सुसाइड कमिट किया था, सिर्फ 11 खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है पूरे करोड़ों 100 करोड़ के देश में, अब उसमें सोचिए कि जब आईपीएल टीमें आ गई हैं तो कितना कितना ऑप्शन हो गया है टैलेंट के पास। सुरेश, इंजरीज कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सडनली इंजर हो जाते हैं, और कई बार माइनर कई बार मेजर इंजरीज होती है, उससे रिकवर करना, वर्ल्ड कप से बाहर होना, पिछली बार पीके हुआ था, इस बार हर बार होता है किसी ना किसी के साथ, तो मतलब बहुत सारे फैंस करते हैं। मेरे दो नहीं ऑपरेशन में, ये 2 कॉलर बोन टूटी हुई है, ये मेरा काफ टूटा हुआ है, इतना था ना कैश लेने के लिए, मेरी उंगली टेढ़ी हो गई है।
वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 2007 का जो वर्ल्ड कप मैंने भी मिस किया, मुझे भी नहीं ऑपरेशन हुआ था, बट बहुत अच्छा आपने पूछा कि जो डॉक्टर्स हैं सारे के सारे, वो हमारी टीम में अभी योगेश है, उसके बाद एक अच्छे डॉक्टर है, एनसीए का सेटअप बहुत अच्छा है, इसीलिए प्लेयर ना वो इमोशन से जुड़ता है। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखेंगे बुमराह का है, वो 2 साल 16 महीने खेला नहीं वो, लेकिन जैसे वो घर में बेटा आया तो उसने फिर वो, उसके लिए भी एक मकसद है कि मुझे देश को तो जिताना है, बट कभी कभी बेटी आती है, लकी होता है, बेटा भी होता है, तो एक जो इंजरी का जो प्रेशर होता है ना वो वेव ऑफ हो जाता है, वो कि वो दोबारा फोकस पे आना, वो मेहनत करना, वो कि उसने 16 महीने से वो खेला नहीं था, वो अभी इंजरी फिर बहुत, अभी अक्षय पटेल के लिए अनफॉर्चुनेट जैसे अभी कार एक्सीडेंट हुआ उनका, बिल्कुल वो अब लकीली एक्चुअली वो अच्छा है कि वो बच गया, वो क्योंकि अभी मेरी बात हुआ था उससे, तो ही इज रिकवरिंग वेरी फास्ट, हो सकता है अभी एक महीने में आप उसको खेलते हुए देखोगे। एक छोटा सा सवाल था आपका जो मुझे सारे एथलीट्स को पूछना बहुत पसंद है, आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? आई थिंक हार्ड वर्क, हार्ड वर्क योर डिसिप्लिन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंजॉय व्हाट यू लव। अगर जो आप एंजॉय कर रहे हो, आपको लगता है कि ये, मैं बचपन में खेलता था मुझे पता नहीं था कि, लगता था मम्मी पापा पिटाई करेंगे वो तो उससे मेरी इनकम आ रही है, उससे मुझे नाम मिल रहा है। कितनी पिटाई हुई आपकी? बहुत मुर्गा बनाऊ काफी बार होता है और अलग अलग तरीके से पनिशमेंट मिलता था या एक ही तरह की मार पड़ती? नहीं हुआ, उन्होंने पूछा ना चित्रा जी ने कि गाना सुनाइए, गाना सुनाए, तो हॉस्टल में मैं बोलता मैं ना तो मुर्गा बनूंगा, ना मुझे कोई हाथ लगाएगा ना मारेगा, मैं गाना सुना सकता हूँ। वहीं से मेरी सिंगिंग चर्चा हो रही है, तो आप जब 2011 में वर्ल्ड कप था तो आपको आपके कैप्टन की तरफ से जो मंत्र मिला होगा कि आप वर्ल्ड कप खेलने से पहले, एक मंत्र होता है जैसे टीचर जो होता है अपने स्टूडेंट को देता है, तो आप अभी क्या मंत्र? नहीं, हमारे 15 के 15 के प्लेयर्स को ये था कि बी ट्रूथ टू योरसेल्फ, अगर आप सच्चे हो, अगर आप एकजुट होकर जीतने की ललक के लिए जा रहे हो तो आप जीतोगे। तो हमारे 15 प्लेयर का यही मोटो था, सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, हमारे देश के लिए वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, धोनी भाई के लिए वर्ल्ड कप जीतना है, अपने परिवार वालों के लिए, अपने फैंस के लिए, बस जीतना है, कैसे भी जीते। और ये जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी की बात कर रहे हैं ना कि हेडेक, वो सोचना कि कौन 11, आपने वर्ल्ड कप का स्टार्टिंग फेज निकाला है बाहर बैठकर, मोटिवेट कैसे रखता है खिलाड़ी जो 11 का हिस्सा नहीं बन पा रहा है? मुझे लगता है मेहनत हुआ, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी भी आपको कॉल आ सकता है वो, तो उस टाइम में जैसे मैंने पहले बोला था, गैरी ने बोला परफॉर्मेंस करते रहो, आशु भाई बोलते थे आके नेट पे बॉलिंग करता हूँ तो यॉर करके प्रैक्टिस कर ले, पता नहीं तू कब खेलेगा, एक होता ना अंदर से भी, धोनी भाई बार बार कहीं चल रही प्रैक्टिस, अरे खेला तो नहीं रहे, प्रैक्टिस पूछे जा रहे हो कब खिलाओगे। फिर एक ऐसा मौका है जहाँ फिर मुझे लगा नहीं, अब फंसी हुई है टीम यहाँ पर, तो यहाँ हीरो बनने का मौका, ये नहीं छोड़ना बस, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लुकिंग बैक अच्छा लगता है। बिल्कुल, पाजी ऐसे बैठे हुए थे शोल्डर पे, दो उन्होंने मारे, वो जहाँ दिखा कौन है सुरेश रैना, दिखा दुनिया को, जो भगवान जी ने बोल दिया फिर तो करना ही था। क्रिकेट में कोई एक ऐसा रूल जो आप बनाना चाहें और एक हटाना चाहें? हटाना चाहे, आउट होना। ये अच्छा बोला आपने, आउट होना हटा दो। हाँ, ये भी तुझे नया रूल बना रही है। सुरेश ये बताइए, वैसे तो आपने भविष्यवाणी कर दी है कि भाई एशिया कप भी हम जीतेंगे, वर्ल्ड कप भी हम जीतने वाले हैं, लेकिन आज तक के टेलीविजन पे अगर आपको बोलना पड़े, आप आज अगर बताएं, 5 टीमों का 5 देश का आपने नाम लिया है जो कि दावेदार हैं, एक बार आप खुद से अगर सबके सामने कहें कि आपको क्या लगता है, गट फील क्या आपका? आई थिंक डेफिनेटली इंडिया और न्यूजीलैंड बहुत अच्छा करेगा इस वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और आप देखेंगे अपना इंग्लैंड, उसके बाद सब कॉन्टिनेंट की टीम लग रही है इंडिया के अलावा। ये आपको सरप्राइज करेगी अफगानिस्तान, क्योंकि उनके पास वो त्रुप के स्पिनर हैं जो गेम चेंज होगा, क्योंकि थोड़ा जो मैचेस होंगे ना हम स्लो विकेट पे खेलेंगे, क्योंकि आज हमने पहला मैच देखा, उसके बाद जो लखनऊ, हिमाचल, हर जगह चेंज हो रही है सॉइल, जो 10 वेन्यूज हैं, जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा टूर्नामेंट, क्योंकि जैसे थोड़ी शीतलहर बढ़ेगी नवंबर में, वेदर चेंज होगा तो फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी, अक्टूबर पूरा स्पिनर को मदद मिलेगी, तो वो कैसे टीम कोप करती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल है, 2 ऐसे खिलाड़ी जिनसे सबसे ज्यादा, वैसे तो पूरी टीम इंडिया से ही है, लेकिन 2 ऐसे खिलाड़ी जिनको देख के लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदें इन्हीं से हैं और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं? आई थिंक शुभमन गिल कुशोर, और मुझे लगता है जो त्रुप का इक्का होगा ना वो कुलदीप यादव वो मैच जिताए, क्योंकि आप देखेंगे हर टीम में ना जो ट्रिक हमने मिस किया, युजवेंद्र चहल को लेके नहीं आए, हर टीम में 2 लेग स्पिनर है, हमारे में एक भी नहीं, तो कुलदीप का सारे मैचेस खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वैरायटी लेके आते हैं, चाइना मैन बॉलिंग लेके आते हैं, और जो ट्रेजेक्ट्री है ना बॉलिंग की काफ़ी फास्ट हो गई है, रेवोल्यूशन बहुत तेज आ रहा है वो, तो उनको जब भी विकेट गिराना होगा ना रोहित शर्मा को, वो उसी को लेके आएंगे, जड्डू बहुत अच्छा बॉलिंग करेंगे,
लेकिन वो कंटेन वैसा नहीं होगा जो कुलदीप वो मैच जिताएगा देश को, तो वो बहुत रुपए का होगा। और फाइनल किस किस में देखने वाले हैं आप? न्यूजीलैंड इंडिया, आप कह रहे हैं न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इंडिया लग रहा है अभी तक, तो अभी तो बहुत जल्दी है। हाँ। क्योंकि न्यूजीलैंड देखेंगे 2015 में क्वालिफाई हुए, फाइनल हारे ऑस्ट्रेलिया के साथ मेलबर्न में, उसके 2019 में सुपर ओवर वाला हुआ, फोर सेमीफाइनलिस्ट इंडिया 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 नहीं ऐसा तो संभव नहीं है ना, क्योंकि सब कोई जानना चाहता है एक्सपर्ट से कि उनकी राय क्या है। अगर पांच बताया जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, डिपेंड्स करता है कि उनके स्पिनर कैसे गेंदबाजी, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान बिल्कुल, उनके पास कुछ प्लेयर हैं जो ऊपर अच्छा बैटिंग करेंगे क्योंकि वो लो स्कोरिंग भी डिफेंड कर सकते हैं, उनके पास वैसे मैजिक बॉलर हैं जो अच्छा स्पेल डाल सकते हैं। एक्चुअली हर बार ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के एक दो प्लेयर्स रहते हैं जो अच्छा करते हैं, लगता है कि यार इसमें तो वो है स्पार्क, पर वही होता है डिफरेंस कि इंडियन टीम को लेकर 1983 में जो हुआ कि एक दो प्लेयर्स का परफॉर्मेंस नहीं, पूरी की पूरी टीम जिस तरह से करती रही, और यहाँ पर क्या पता कब, क्या पता कल अफगानिस्तान इंडिया का फाइनल हो, जीतेगा इंडिया। इंडिया इंडिया के लिए सबसे चैलेंजिंग टीम कौन सी रहेगी, इंडिया वर्सेस विच टीम? इंडिया के प्लेइंग 11 में ही चैलेंज है, तो उनके लिए वो चैलेंज, अगर वो साउट आउट कर लिया रोहित शर्मा ने, तो हमें इस वर्ल्ड कप से जीतने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो मतलब हमारे सामने कोई टीम इतनी है नहीं जो हमें चैलेंज, होम ग्राउंड में जो हमारी बॉलिंग दिखोगे, बैटिंग दिखोगे, जो हमारा जो बैलेंस है टीम का वो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है इसी नोट पर हम खत्म कर देते हैं कि इंडिया 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 ओनली इंडिया जीतेगा भारत। इंडिया 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।